गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम RBL पब्लिक स्कूल स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश ग्रामर. नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट यूजुअली appears before the predicate to show. Subject हमेशा predicate से पहले आता है. What the subject is about or who or what performs the action. जिसके बारे में sentence होता है या जो action को perform करता है या कार्य को करता है वही subject होता है. A subject may be one word or several word. Subject वन वर्ड भी हो सकता है और कई वर्ड भी हो सकते हैं. फर्स्ट सिंपल सब्जेक्ट, व्हेन द सब्जेक्ट इज जस्ट वन वर्ड, अ नाउन और प्रोनाउन, इट इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट. व्हेन वन वर्ड, नाउन और प्रोनाउन इज सिंपल सब्जेक्ट. एग्जांपल, फायर बर्न्स, आई लव. हियर वन वर्ड इज सब्जेक्ट, सो इट इज सिंपल सब्जेक्ट. सेकेंड, कंपाउंड सब्जेक्ट, टू और मोर नाउन्स, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज वेन लिंक्ड बाई मेक अ कंपाउंड सब्जेक्ट. टू और मोर नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज वेन लिंक्ड बाई एंड मेक अ कंपाउंड सब्जेक्ट. एंड टू नाउन और प्रोनाउन लिंक्ड विद एंड दे आर कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, पुलकित एंड अंकुर, दे एंड आई, माई मदर एंड योर मदर, दीज आर सब्जेक्ट. कंप्लीट सब्जेक्ट, समटाइम्स द सब्जेक्ट मे बी अ नाउन फ्रेज That is a word group made up. कई बार सब्जेक्ट नाउन फ्रेज हो सकता है जो कि शब्दों के समूह से बना हुआ होता है. देखिए, अ नाउन, अ मेन नाउन, एनी मोडिफायर्स, अ डिटरमाइनर सच एज द, आ, हर एंड एन एडजेक्टिव फ्रेज. सच अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कंप्लीट सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, A white tiger with black stripes is rare. So, a determiner, white modifier, main noun tiger, adjective phrase with black stripes. So, complete subject, the subject may be noun phrase that is a word of group made up of. द एडजेक्टिव फ्रेज ऑलवेज कम्स आफ्टर द मेन नाउन. एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा मेन नाउन के बाद आता है. देखिए, ये मेन नाउन है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ये मेन नाउन के हमेशा बाद में आता है. नेक्स्ट, प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप, बर्ड और ग्रुप ऑफ बर्ड्स दैट फॉलोज द सब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग द सेंटेंस और क्लॉज. प्रेडिकेट एक बर्ड होता है या शब्दों का समूह जो सब्जेक्ट को फॉलो करता है, कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. एग्जाम्पल, डॉग बार्क एट नाइट, डॉग सब्जेक्ट है, बार्क एट नाइट प्रेडिकेट है. टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट, अ प्रेडिकेट हैविंग जस्ट अ सिंगल वर्ड, द वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल प्रेडिकेट. सिंपल वन वर्ड होता है केवल जो कि वर्ब होगी. बार्क देखिए वर्ब है, एग्जांपल में डॉग्स बार्क, बार्क वर्ब है. जब ओनली वन वर्ड होता है जो कि वर्ब होता है वही सिंपल प्रेडिकेट होता है. कंपाउंड प्रेडिकेट,
A compound predicate is a predicate that is made up of two or more simple predicates connected by conjunctions such as and, but, etc. Compound predicate जिससे मिला बना हुआ होता है किससे two or more predicate दो या दो से अधिक predicate से मिला बना हुआ होता है मिलके जो कि conjunction से जुड़ा रहता है जैसे and और but से etc. Example C baked some cookies and made some coffee. Baked predicate है and made predicate है देखिए और ये conjunction से and से जुड़ा हुआ है so it is compound predicate. Complete predicate sometimes a predicate may be complete verb phrase. कई बार predicate जो हो सकता है वो एक verb phrase हो सकता है. That is main verb and all the verbs related to the verb except the subject जो कि जुड़े हुए होते हैं main verb से और all the verbs related to the verb वो सारे जो word होते हैं वो verb से ही related होते हैं except the subject. Subject को छोड़कर such a predicate is called complete predicate. ऐसा predicate complete predicate होता है जैसे example देखिए the grass is always greener on the other side. So the grass subject है उसके बाद जो भी part है पूरा जो verb phrase है वो predicate है और it is called complete predicate. So student revise this in your homework.